ठीक है। तो 1 के बराबर की प्रोबेबिलिटी आपने प्रूफ कर ली। प्रूफ करने के बाद अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो कौन सी के की वैल्यू होगी जिसके अंदर आपके पास फॉलोइंग फंक्शन क्या है, पीडीएफ होगा। तो सबसे पहले अगर आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये फंक्शन पीडीएफ है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और मिस थोड़ा जूम कर देंगी, बहुत डल है। अच्छा, मैं कर देती हूँ। वैसे आपके पास पिक्चर आई नहीं है अभी तक, स्लाइड शेयर कर दी है मैंने, आ गई, मिस आ गई है। ठीक है, वहां पे भी देख लो, अगर नहीं आ रही है तो फिर यहाँ देख लेना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपने अप्लाई करना है पीडीएफ फंक्शन को, जो है वो आपने वेरीफाई करना है। लेकिन वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे के कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे के कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप क्या करोगे, उसे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद फिर देखोगे कि आइदर ये पीडीएफ है या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सिंपल से इतना कहा है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा, तो सबसे पहले अगर वेरिफिकेशन कह भी दी जाए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करोगे। फिर कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आप क्या करोगे, कांस्टेंट वैल्यू को फंक्शन में सब्सिट्यूट करके फिर लोअर से इंटीग्रेट करोगे अपर तक के। तो अगर आंसर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये आपके पास ट्रू है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू पे इंटीग्रेशन कभी अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा क्या हो जाता है, साइड पे हो जाता है। ठीक है, आप इंटीग्रेशन के बाहर उसे डिफाइन कर देते हो। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह किया, इंटीग्रेशन के बाहर आपने इसे डिफाइन कर दिया, और इसके ऊपर जब आपने क्या करी, इंटीग्रेशन अप्लाई करी। इंटीग्रेशन अप्लाई करी तो एक्स की पावर क्या थी, 2। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होगा और उसी वैल्यू से क्या होगा, 3 से डिवाइड भी होगा, उसी की पावर से डिवाइड भी होता है, इंटीग्रेशन रूल है। आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद फिर आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है आपके पास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करने का। फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो आपने यही किया कि आपने जो है वो एक्स की पावर क्यूब, आप इसमें से जो 3 कांस्टेंट था वो आपने बाहर निकाल दिया, और उसके ऊपर क्या की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी। जब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करी तो 4 की पावर 3 64 के बराबर हो गया, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करी तो आंसर इज 0। फिर आपके पास सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर क्या आया, 64/3, 64/3 के। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इस साइड पे से सबसे डिवाइड करवा दोगे, तो आंसर क्या आएगा, 3/64। तो अब के की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, के की वैल्यू आ गई 3/64। अब ये 3/64 यहाँ सब्सिट्यूट करो, और एक्स की पावर 2 यहाँ पे जो है वो रखो, और उसके बाद इसे लोअर से अपर तक के इंटीग्रेट करो। अगर आंसर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, पीडीएफ फंक्शन है। लेकिन अगर मैं पूछूं, तो अगर सिर्फ के की वैल्यू पूछ के आपके पास आंसर स्टॉप कर दूं, तो इसका मतलब है कि आप वहीं तक के स्टॉप कर दो, सिर्फ के की वैल्यू ही फाइंड आउट करके मुझे बता दो। अब यहाँ पे आपके पास एक और फार्मूला, एक और एग्जाम्पल गिवन है, गिवन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है 2x, 2x की रेंज गिवन है, और इसमें पूछा गया है पहले पार्ट के अंदर कि ग्राफ द फंक्शन एंड फाइंड। सबसे पहले आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे एक्स की तमाम इंटरवल वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। तो एक्स की देखें, एक्स की इंटरवल क्या है, 0 से 1। तो सबसे पहले 0 सब्सिट्यूट किया इस फंक्शन में, फिर 1 सब्सिट्यूट किया इस फंक्शन में, दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट हो गई। दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्स पे आपने रखना है इंटरवल, और वाई पे क्या करना है, फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दो वैल्यू की सिर्फ प्रोबेबिलिटी, तो आपने दो वैल्यू की पॉइंट्स लगा के जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपसे पहला ग्राफ पूछा था, दूसरा आपसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। किसने, इन्होंने पूछा है कि आप करें इस फंक्शन में हमें पी ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके बताएं, और फिर इस रेंज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, और फिर ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो अगर आपको इस फंक्शन के अंदर किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी जाए, तो आप किस तरह फाइंड करोगे, आप उसे जिस तरह, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मालूम करनी है less than 1/2 की। ठीक है, less than 1/2 को थोड़ा सा आपको साउंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है कि इससे कम की वैल्यू, मतलब इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी हमेशा लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट का मतलब कि हमेशा इनिशियल प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, इसका मतलब है नो प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, और उससे लेके आपने कहाँ तक की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, 1/2 तक। अब इन्होंने कहा 1/2 से नीचे की तमाम वैल्यू। अब 1/2 से नीचे की तमाम वैल्यू, 1/2 की वैल्यू क्या है, 0.5। 0.5 से नीचे की तमाम वैल्यू क्या होंगी, 0.4, 0.3, 0.1, 0.2, यही सारी वैल्यूज होंगी, और एंड में जीरो। अब वो जो जीरो है बेसिकली वो क्या है आपके पास, बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वो जीरो पॉइंट है। जीरो पॉइंट से नीचे इनिशियल प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं डिफाइन की जाती। अब आपने इसकी लोअर लिमिट क्या डिफाइन करनी है, जीरो। इसका मतलब है आपको समझ आ रहा है कि ये इस इंटरवल के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आपने क्या करना है, अब लोअर लिमिट आपने क्या सेट कर देनी है, जीरो, और अपर लिमिट आपने क्या सेट कर देनी है, 1/2, क्योंकि 1/2 से उन्होंने आगे जाने के लिए नहीं कहा। तो इसका मतलब है ये आपसे जो प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं वो जीरो से लेके 1/2 की तरफ कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या किया कि इसको क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जीरो से लेके 1/2 पे इंटीग्रेट करा दिया। अब इंटीग्रेट के लिए वही फंक्शन गिवेन है, फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दें, एक्स पे इंटीग्रेट करें, एक्स की पावर 1 है तो 1 का मतलब है +1 हो जाएगा, 1 1 इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड होगा, फिर वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के आपने सोल्यूशन तक के आना है। तो सोल्यूशन आपके पास क्या आया भाई, 1/4 सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ गया। अब 1/4 सॉल्यूशन आ गया, तो 1/4 सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक का सॉल्यूशन है, 0 से लेके 1/4 तक का आपके पास क्या है, सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। अब 1/4 मतलब है अब आपने जो है वो 1 से लेके 1/2 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, तो उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब है कि आपने कहाँ तक के वैल्यू फाइंड कर ली, 1/4 जो है वो उसका सॉल्यूशन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपने क्या, यहाँ पे तो सिंपल आपके पास प्रोबेबिलिटी का ग्राफ गिवन है तो ये तो सिंपल ग्राफ बनेगा, लेकिन आपके पास जो अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन पे मौजूद हो तो लेस देन पे हमेशा याद रखना है कि ये लेस देन वैल्यू जो है वो हमेशा क्या बन जाती है, आपकी अपर लिमिट बनेगी, ठीक है। और उसको हमेशा इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो से। अब अगर आपको कोई रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी जाए कि भाई -1/4 से लेके 1/2 तक की पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दी जाए, तो इसका मतलब है कि इन्होंने आपको इनिशियल वैल्यू भी दे दी है और अब की हाई वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू भी दे दी है। अब वो सिर्फ इससे इसके दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसे 1/4 से लेके 1/2 तक के इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपनी इनिशियल वैल्यू भी दे दी, कहा कि 1/4 मेरी इनिशियल है, और अपनी फाइनल वैल्यू भी दे दी कि कहा 1/4 मेरी 1/2 मेरी फाइनल वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अब हमें जीरो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी इनिशियल से लेके फाइनल तक के खुद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब आपने यहाँ पे वही अपने फंक्शन रखा, फंक्शन रखने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करी और इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो आपने ये सेट कर दी, ठीक है। फिर आपके पास फाइनली प्रोबेबिलिटी का आंसर भी आ गया। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास एक और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए कि ग्रेटर देन 1/4, अब ग्रेटर देन 1/4 के अंदर मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको ग्रेटर देन 1/4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए दी जाती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें से आप हमेशा 1 को माइनस करो, ठीक है, क्योंकि वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अब ग्रेटर देन का मतलब है 1/4, 1/4 से ग्रेटर देन कितनी ग्रेटर देन। अब आपको पता है आपकी फाइनल ग्रेटर लिमिट क्या होती है, 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट क्या होती है, 1, तो 1 से ज्यादा एग्जीट तो ये कर नहीं सकता। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि 1 पे लाके स्टॉप करते हो, कि 1 में से इसमें से माइनस कर देते हो, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपकी ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। तो ये वाली बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है तो वो भी कहाँ से फाइंड करनी है, 0 से लेके 1/4 तक के ही फाइंड करनी है। लेकिन जब फाइनली 0 से 1/4 तक के प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई, फाइंड होने के बाद इसका आंसर जो क्या आया, 1/6। अब 1/6 में से आपने क्या करना है, 1 को माइनस करवा देना है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/4 की भी किस तरह निकलेगी, लेस देन की ही तरह निकलेगी, लेकिन फाइनली आपने उसको 1 में से माइनस भी करवाना है आंसर को। तो आंसर को जब आप 1 में से माइनस करवाओगे तो वो क्या होगा, फिर जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। मीन्स तो ये इनकी जो ग्राफ किस तरह बन रहे हैं, ग्राफ इनके ग्राफ किस तरह बन रहे हैं, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं जिस तरह पुराने वाले बन रहे थे। देखो सबसे पहले आपके पास 1/4, 1/2 एंड 1/3। यहाँ पे आपने क्या करा, ये आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज गिवन है, गिवन प्रोबेबिलिटी की जो इंटरवल है वो क्या है, 0, 1, 2।
सही है, मतलब 1 तक के, 0 से लेके 1 तक किसकी रेंज है, 0 से लेके 1 तक किसकी रेंज है, आपने 0 1 2 फाइनल 1 2 रख दिया, मतलब आप 1 पे भी लाके स्टॉप कर सकते थे। अब स्टॉप कर दिया आपने, स्टॉप करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास, आपने कहाँ से इंट्रीगेट करवाया, 0 से लेके 1 बाय 2 तक के इंट्रीगेट करवाया, ठीक है, 0 से 1 बाय 2 तक के आपने इंट्रीगेट करवाया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 से 1 बाय 2 तक के आपने इंटीग्रेट करवाया, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 बाय 2 की लाइन खींचनी है, और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो आपने 1 तक की लाइन लेनी है। अब इससे दरमियान में जितना भी शेडो एरिया है, वो शेडो एरिया क्या डिफाइन करेगा कि ये एरिया जो है वो 1 बाय 2 की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। मतलब सिंपल ग्राफ है, सिर्फ वैल्यू को शेड करवाया, जिस तरह ये वाला ग्राफ समझाया ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सेम वही ग्राफ है, बस वहां पे आपके पास जो है वो जहां तक की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपने वहां तक की आपने क्या करना है कि भाई 1/2 से लेके 0 तक की फाइंड की थी, तो आपने यहाँ पे 1/2, 1/2 के बाद इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और इसी पे जो है वो आपने शेड अप्लाई कर दिया। सेम कॉपी ग्राफ है, कोई मिस मुश्किल ग्राफ नहीं है, एक बार खुद से ड्रॉ करके देखो तो समझ आ जाएगा। बोलो। वो जो इसका चौथा पार्ट है, पार्ट डी जो है इसका। ये वाला हाँ मिस, इसमें पहले एक तो हम जीरो लिमिट रख के 0 to 1/4 1/4 तक का करेंगे, फिर ठीक है, कर जीरो लिया, टू रख के नहीं करेंगे। नहीं वो नहीं करेंगे, बस 1/4, 1/4 पे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करी, लोअर लिमिट करा, लोअर लिमिट के बाद फाइनली आंसर आ गया 1/6, 1/16 आ गया, बस इसमें से आपने मिस तो माइनस लेकिन करवाना है 1 माइनस को। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1 तक की लिमिट के उससे करना चाहिए ना माइनस। नहीं वैसे नहीं करते कंटिन्यूअस में, इस तरह नहीं करते कंटिन्यूअस में। आपके पास देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या गिवन है कि 1 में से माइनस करवाओ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन को, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में नहीं फाइनल करवाओगे, फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट 1 होता है। तो आपने यहाँ पे देखो अगर फॉर्मूला भी गिवन है, तो मैंने क्या फॉर्मूला गिवन किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/4, इसका मतलब है आपने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और उसमें से फाइनल 1 में से माइनस करवाना है। ये माइनस वन जो करवा रहे हैं, ये तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लॉजिक की वजह से करवा रहे हैं ना। हाँ, ये जो जिस तरह मैंने आपको इससे पहले, आज से पहले कुछ टाइम पहले मैंने एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, और उस एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है, जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मिस उस लिहाज प्रोबेबिलिटी के से तो अपने ये कुछ एक्स स्मॉलर स्टैंडर्ड देन है। 1/4 नहीं होगा। हाँ स्मॉलर करना है इसमें, स्मॉलर जिस तरह लास्ट टाइम स्मॉलर करोगे, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये ग्रेटर देन की नहीं आएगा, आप लोग कंफ्यूज ना, इस वजह से मैंने स्मॉल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी लिख दी है, वरना यहाँ पे ऑफिशियली जब आपने 1 में से माइनस करवा दिया तो उसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी लेस देन पे आ गई, ठीक है। अच्छा अब दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरा टॉपिक आपके पास क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक अगर याद हो तो ये टॉपिक हमने सेम टॉपिक जो है वो किसके लिए कवर किया था, डिस्क्रीट के लिए भी किया था, और अब यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूस के लिए भी सेम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या कहती है, वहां पे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे थे कि हर वैल्यू पे दूसरी वैल्यू को ऐड करते जा रहे थे। सारी थ्योरी वैसे ही है, सारी पॉइंट वैसे ही है, लेकिन पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पे कंटिन्यूस नेचर आ गई है। तो अब कंटिन्यूस नेचर क्या कहती है कि अगर आप सपोज करो आपके पास रेंडम वेरिएबल, आपने इंटीग्रेशन करनी है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट एक्स तक के। स्टूडेंट 1 मिनट, अजान हो रही है। जाओ भैया।
हलवा खा लिया? ओ हलवा गया, खा लो पूरा, खत्म करके चली जाओ। मैंने पूछा था कम करना है नहीं, जल्दी से खा लो, ब्रेक दिया अभी। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, वापस से स्टार्ट ठीक है, करते पढ़ा हैं। रही तो आपको। सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स, स्टॉप कहाँ पे किया था मैंने आपको? क्यूमुलेटिव पे। तो क्यूमुलेटिव और इसका जो है वो सेम जो है वो आपके पास क्या है? अब आपके पास यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट क्या है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था कि वहाँ पे सिर्फ डिस्क्रीट नेचर पे क्यूमुलेटिव था जिसमें हर वैल्यू को आप ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है आपके पास क्या है कंटिन्यूस नेचर में। तो कंटिन्यूस नेचर में जो है वो आपके पास क्या करना है कि सेम वही सेम काम करना है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि इस इंटीग्रेशन के अंदर आपने लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी मतलब जो गिवन होगी वो होगी, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट आप सेट करोगे वो क्या करोगे एक्स करोगे। मतलब इसकी अपर लिमिट इवन गिवन भी होगी आपको तो आप इसकी अपर लिमिट अडॉप्ट नहीं करोगे, उसे सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि उसे क्या कंसिडर करोगे एक्स कंसिडर करोगे। इसका मतलब इसकी जो फॉर्मूला बनता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इसको पॉजिटिव एक्स तक के इंटीग्रेट करना है आपने, ठीक है? इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स।
तो इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि अगर आप एफ ऑफ एक्स मतलब आपने जो है फॉर सपोज कि कोई क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लिया, अगर आप उस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो, अगर उसका अपने फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव ले लिया तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेशन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स कैपिटल गिवेन हो और आपसे कहा जाए कि इसे कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, वापस इसे जो है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, उसका सिंपल एक फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे और इसे वापस कन्वर्ट कर दोगे। फिर क्या है आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप उस फंक्शन में लोअर लिमिट रखोगे तो वो वन आएगी, अपर लोअर लिमिट पे जीरो आंसर आएगा, अपर लिमिट पे वन आंसर आएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करनी है आपने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये तो वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्प्यूट के लिए फाइंड की थी। ठीक है, और बाकी जो है आपके पास क्या है, एक्स वन लेस देन इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इज इक्वल टू, सो इट इज द नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ये हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग के साइड होता है, क्यूमुलेटिव का ग्राफ कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता। ठीक है, कभी इसका क्यूमुलेटिव फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो वो हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, करंट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव। फिर आप आगे की तरफ मूव करते हो, फिर आप करंट वैल्यू पे होते हो और उसमें तमाम पुरानी प्रीवियस वैल्यू को ऐड कर देते हो। इसका मतलब है कि आपका जब भी पॉइंट आ रहा है वो हमेशा लार्ज इन लार्ज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस वैल्यू की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से हमेशा ही ग्रेटर देन होता है, इसीलिए हम इसे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, हमेशा से प्रीवियस वैल्यू का सम होता है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो सर आपकी लास्ट टाइम मैंने मार्कशीट वाली एग्जांपल ली थी कि अगर आप 8 परफॉर्मा 8 सेमेस्टर में आ गए, तो 8 सेमेस्टर का मतलब क्या है कि हमेशा से आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग की तरफ आ रही है। अब जैसे कि आपने कहा कि भाई 8 सेमेस्टर है, 8ों के 8 सेमेस्टर को ऐड करते जाऊं। ठीक है, अब 8 एवरेज 8 करने पे अगर आप सम 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 करते जाओ तो 8 सेमेस्टर की इंक्रीजिंग वैल्यू हो रही है, उसके बाद फिर आप उसका एवरेज निकाल देते हो तो फिर वो आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है जो एक सेमेस्टर की डिफाइंड होती है। लेकिन अगर आप सिंपल सम करते चले जाओगे तो आपके क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं आती। इसीलिए इसका ग्राफ या इसके फंक्शन को हमेशा क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कभी नहीं होता ये। ठीक है, क्योंकि इसकी मेन रीजन क्या है कि ये हमेशा अपने अंदर दूसरी वैल्यू को क्या करता जाता है, ऐड करता चला जाता है। तो अगर हम कंटिन्यूस का देखें, कंटिन्यूस में उसने दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती कि अगर आप इसमें लोअर लिमिट ऐड करो तो उसका आंसर जीरो आएगा और अपर लिमिट ऐड करो उसका आंसर वन आएगा। तो उसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आपके पास एक एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये एक फंक्शन गिवन है, इसकी लोअर और अपर लिमिट गिवन की है उन्होंने, लोअर और अपर लिमिट उन्होंने गिवन की। उन्होंने कहा कि भाई इसे चेक करो कि ये वेरीफाई करो कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है या नहीं। तो आप चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर वन आएगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो आप ये प्रूव कर दोगे कि भाई ये जो फंक्शन हमने आपको दिया है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। अब दूसरी और कुछ एग्जाम्पल पे इस पे बात करते हैं, मजीद कुछ एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल एक गिवन है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गिवन डेंसिटी फंक्शन। अब इन्होंने कहा कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करना है। अब ये गिवन नहीं दिया बल्कि कहा कि बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और फॉर द डेंसिटी फंक्शन एंड आल्सो स्केच द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इन्होंने यहाँ पे आपसे कहा है कि अब आपको क्या गिवन किया है, उन्होंने कहा है कि ये एक आपको पीडीएफ हमने दे दिया है, इस पीडीएफ को हमें कन्वर्ट कर दो किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इसे कन्वर्ट करो। तो जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो इसका मतलब है कि हमें इसे लोअर लिमिट से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करवाना होगा। तो लोअर लिमिट इसकी क्या गिवन है, जीरो, और इसकी अपर लिमिट हमें नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि क्यूमुलेटिव क्या कहता है कि इसे एक्स तक के इंटीग्रेट कराओ। तो अब देखते हैं इसे एक्स तक के किस तरह इंटीग्रेट करवाना है यहाँ पर हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन को कंसीडर किया, फंक्शन का कंसीडर किया तो वो वन था। ठीक है, अब वन फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको पता है किस तरह होती है, सिंपल होता है कि आपने उसमें एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो। ठीक है, अब आपने जो इसको इंटीग्रेट करवाया वो क्या करवाया, जीरो से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करवाया।
अब जीरो आपने कंसिडर कहाँ से किया, क्योंकि वो जीरो आपके पास लोअर लिमिट गिवन थी, लेकिन अपर लिमिट आपने वन कंसिडर नहीं करी, बल्कि एज पर डेफिनेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट करी, एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करी। अब एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करी, फंक्शन हमारा वन था, हमने एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट की, लोअर अपर सब्सिट्यूट किया, तो फाइनली फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, इन द फॉर्म ऑफ एक्स आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी की लिमिट एक्स सब्सिट्यूट करोगे तो डेफिनेटली फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स ही आएगा, क्योंकि आपने उसकी लिमिट डिफाइंड ही नहीं करी कि वो फाइनली अल्टीमेटली सोल्यूशन एक ड्रॉ करे, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन हमेशा क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्स आएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे आप जो है वो फंक्शन की वैल्यू लिखते हो और वहाँ आपको जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन करते हो। इस तरीके से मैंने आपको कुछ फंक्शन बनाने सिखाया था, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि भाई इस तरह आप जो है वो डिस्क्रीट के लिए एफ ऑफ एक्स लिखते हो, उसके बाद आप जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट का साइन बनाते हो, यहाँ पे एक एक प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और यहाँ उसकी रेंज गिवन होती है, ठीक है? और पहली क्या वैल्यू होती है, पहली वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है और यहाँ पे उसका जो है वो फंक्शन गिवन होता है, और हमेशा आखिरी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर की होती है और उस पर वन आता है, और बाकी बीच में जितने भी इंटरवल गिवन हो वो आप डिफाइन करोगे इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो ये वाली चीज अगर आपको याद हो तो मैं लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, तो अब यहाँ कंटिन्यूस की भी अगर बात करोगे तो काफी सिमिलर ही होगी। अब इसी तरह इसी पॉइंट को अगर कंटिन्यूस वाले पॉइंट को अगर याद करो तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी वाले ही पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि आपने यहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा, पहली वैल्यू एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो पे आंसर क्या आएगा, जीरो। दूसरा वन हमेशा किस पर आएगा, ग्रेटर देन वन पर आएगा। तो ये दो पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एज पर डेफिनेशन आपको डिफाइन करना होता है, यहाँ हमेशा जीरो आता है और यहाँ हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और सेंटर में आपके पास क्या आएगा, वो फंक्शन और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास फंक्शन वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में फंक्शन वैल्यू आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन और उसकी प्रोबेबिलिटी है दिस वन। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दी, सब्सिट्यूट करी कि भाई अब इसका चूंकि हमें फंक्शन में फंक्शन तो दिया था वन के बराबर, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव आंसर क्या आया, क्यूमुलेटिव आंसर आया एक्स, और उसको किस प्रोबेबिलिटी पर आया है, लोअर से अपर लिमिट के रेंज में आया है। तो अब यहाँ पे आप क्या फंक्शन वैल्यू दोगे इसके, एफ ऑफ एक्स आपने क्या कैलकुलेट किया, एक्स। तो अब आपने यहाँ पे एक्स यहाँ पे सब्सिट्यूट करवा दिया, एक्स सब्सिट्यूट करवा दिया, और उसकी लिमिट क्या थी, लिमिट की ड्यूरेशन क्या थी आपकी, जीरो से लेके वन। यहाँ पे एक्स नहीं डिफाइन करोगे, यहाँ आप अपनी कंप्लीट लिमिट डिफाइन करोगे, क्योंकि आपने ये कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग एक्स, तो एक्स दोबारा से लिमिट पे डिफाइन नहीं किया जाता। तो ये जो आपने बनाया है ये बेसिकली एक कंप्लीट फार्मूला बना दिया आपने किसका, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप चाहो तो इसकी फॉर्म इस तरह, ये जो कलर से मैंने लिखा हुआ है, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट खोला, जीरो, जीरो आपको पता है लेस देन इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या है आपका क्यूमुलेटिव कैलकुलेटेड जो आपने भी कैलकुलेट किया है, और ये उसकी रेंज, और उसके बाद आपको पता है फाइनली फार्मूले के मुताबिक हमेशा वन आता है किस पे, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन पे। तो आप इस तरह लिखो सबके ऊपर, या फिर एक तरफ ही एफ ऑफ एक्स लिख दो और इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये काफी हद तक के वैसे ही कॉन्सेप्ट था जिस तरह मैंने आपको डिफाइन किया। अब ये पीडीएफ बनाना है, इसका पीडीएफ का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पीडीएफ का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने क्या कंसिडर करना होगा, पीडीएफ का फंक्शन, पीडीएफ के फंक्शन में ये लिमिट सब्सिट्यूट करनी होगी, पहली बार लिमिट जीरो डालनी है, पहली दूसरी बार लिमिट वन डालनी है। तो x की, अब यहाँ पे अगर आप पीडीएफ फंक्शन कंसीडर करोगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास जीरो पे क्या वैल्यू आएगी और वन पे क्या वैल्यू आएगी, जस्ट सिंपल आपने डिस्ट्रीब्यूशन डाल के जो है वो सब्सिट्यूट कर दी। इसी तरह एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी फर्स्ट लिमिट आपने जीरो डाली, सेकेंड लिमिट वन डाली, और ये आपने जीरो और वन पे जाके आपने क्या कर दिया, ग्राफ को जो है वो क्या कर लिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? तो जब पीडीएफ का ग्राफ बनाते हैं तो पीडीएफ का फंक्शन के अंदर आपने लिमिट डालनी होती है, और जब सीडीएफ का ग्राफ बनाते हैं तो सीडीएफ का फंक्शन जो आपने कैलकुलेट किया है इसके ऊपर आप इसकी लिमिट डालोगे। तो ये देखो सीडीएफ के फंक्शन में एक्स था, एक्स के अंदर आपने जीरो सब्सिट्यूट किया तो आंसर क्या आया, जीरो, वन सब्सिट्यूट किया तो आंसर क्या आया, वन। तो जीरो पे आपने एक पॉइंट लगा दिया और एक पॉइंट आपने वन पे लगा दिया, तो ये आपके पास CDF का बन गया। और PDF क्या गिवन था आपके पास, PDF गिवन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तब भी आंसर वन आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन डालोगे तब भी आंसर हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जीरो के अंदर भी आपके पास वन पे क्रॉस लगा हुआ है और वन के अंदर भी आपके पास वन पे ही क्रॉस लगा हुआ है।
और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज भी अगर वेरीफाई कर ले, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स कैलकुलेट करना चाहूँ इसके, कि अगर मैं सारे ही पॉइंट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, पहला पॉइंट भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी लोअर लिमिट डालूं, अपर लिमिट डालूं, जरा ये भी डाल के आपको चेक करा देती हूँ कि देखें, जब मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बना लिया अपना, तो फिर मैं इसके अंदर इसकी लोअर और अपर डालूंगी। अगर लोअर पे जीरो और अपर पे वन आ जाता है, तो इसका मतलब है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट बनाया, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर गलती हुई, तो इसका मतलब है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हुए कोई ना कोई गलत फहमी या कोई ना कोई गलती कर दी है, इसी वजह से आपका आंसर सही नहीं आया। तो एक तरीके से वेरिफिकेशन करने का तरीकेकार भी इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऑलमोस्ट आपके तमाम पॉइंट्स बता दी है, शायद आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं बताया। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये देखो, एक फंक्शन गिवन है, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आपको गिवन किया है। इसमें पूछा है कि सी की वैल्यू निकालें, फिर इसका क्या बोला है कि इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें, और फिर आपको क्या कहा है कि कंप्यूट करें एफ ऑफ एफ वन एंड एफ ऑफ एफ वन एंड टू। एफ ऑफ एफ वन और एफ ऑफ एफ वन एंड टू का मतलब है कि आप इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ वन और एफ ऑफ एफ टू का मतलब है कि आपको डायरेक्टली एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज मालूम करने के लिए दी जा रही है। मतलब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आप डायरेक्टली अपने फंक्शन में क्या कर दोगे, सब्सिट्यूट कर दो, सब्सिट्यूट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि भाई आप हर तरीके से जो है वो अपना बना के सीख लो एक तरह कि किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपने सी की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको इससे पहले मैंने आपको के की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, वैसे ही आपने सी की वैल्यू निकाली। फिर सी के बाद आपने क्यूमुलेटिव फंक्शन, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि क्यूमुलेटिव फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो उससे जीरो से लेके एक्स पे इंटीग्रेट कर देते हैं और क्यूमुलेटिव फंक्शन बनाते हैं। तो ये देखें, ये आपका क्यूमुलेटिव फंक्शन भी बनाया हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन और कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन ओवर टू निकालो। तो आपको पता है जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन एंड टू की बारी आती है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हो, आपको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। इंटीग्रेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो आपके लिए पीडीएफ होना जरूरी है। अगर पीडीएफ नहीं बल्कि सीडीएफ के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सीडीएफ में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मुश्किल काम नहीं, वहां डायरेक्टली वैल्यू सब्सिट्यूट हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करा कि डायरेक्टली अपने क्यूमुलेटिव फंक्शन में अपनी डायरेक्टली वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ठीक है। तो ये वही इंपॉर्टेंट, ये समझे, एक क्वेश्चन ऐसा डिफाइंड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम प्रोबेबिलिटीज, तमाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अगर आप चाहो कि ये पीडीएफ आपने जो ये कैलकुलेट किया है पीडीएफ, ये एक्स ओवर थ्री की पावर एट, अगर आप चाहते हो कि क्या ये आपका पीडीएफ गलत है या सही, तो कभी आप इन शॉर्ट खुद से इसके अंदर जीरो और वन डाल के सब्सिट्यूट करना। आंसर अगर आपके पास जीरो वन आ गया, तो उसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी सही फाइंड आउट की है। अब एक और एग्जाम्पल मैंने आपको डिफाइन करी है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि भाई अब ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मतलब ए एक्स ग्रेटर देन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन गिवन किया, ताकि आपको जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज जो मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो एक एक करके एग्जाम्पल में आपको सोल्यूशन करनी आ जाए। तो ये इन्होंने आपको बना के सीडीएफ फंक्शन गिवन किया है, आपको नहीं बनाना, सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना अभी आपको मैं पीछे समझाया, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना, सीडीएफ का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके फंक्शन में इसकी लोअर और अपर लिमिट डालते हैं और वहां पे पॉइंट्स लगा देते हैं, वो सीडीएफ का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना अभी अभी आपको समझाया है मैंने, ग्राफ ड्रॉ करें आप, और उसके बाद देखें ये आपके पास दो प्रोबेबिलिटी फाइलिंग कर ली है, लेकिन इसके लिए आपके पास फार्मूला गिवन है, और फार्मूला क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए है, फंक्शन में डाल दें, फंक्शन में डालने के बाद डायरेक्टली आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला जो है वो मैंने आपके पास गिवन किए। तो हर तरह से कोशिश होती है मेरी ये कि भाई जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसके हर पॉइंट से जो है वो मैं आपको डिफाइन जितने भी कर रही हूँ, उसकी हर एग्जांपल डिफाइन कर दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन की है, लेट आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ गिवन किया है, ये उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको दे दिए, अब आप इसका ग्राफ स्केच ड्रॉ करें। ग्राफ का मतलब है कि हर पॉइंट के अंदर आप इसकी रेंज ऑफ वैल्यू डालें और यहाँ पे आप सब्सिट्यूट, सबके सेम है, यहाँ सबके पास एफ ऑफ एक्स आता है और यहाँ सबके इंटरवल्स आते हैं,
बस आपने हर बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्टेट्स में सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि भाई वाई एक्सिस पे फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, और एक्स एक्सिस पे उसकी लिमिट्स आती है। बस एक बात अगर याद कर लेंगे तो हर किस्म का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर पीडीएफ का बोलूँ, पीएमएफ का बोलूँ, सीडीएफ का बोलूँ, जिसका भी बोलूँ आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बजाहिर है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे हमेशा प्रोबेबिलिटी रखो, एक्स एक्सिस पे हमेशा उसकी वैल्यू रखो, और उसकी वैल्यू के बाद उसकी वैल्यू एक एक करके सब्सिट्यूट करते चले जाओ। तो आपके पास क्या होगा, फाइनली आपके पास एक एक करके ग्राफ बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ बना हुआ है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपने ग्राफ बनना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीरो को इंक्लूड करना है, वन को इंक्लूड नहीं करना। फिर यहाँ पे देखिए जो ग्राफ बनेगा उसमें सिर्फ वन की वैल्यू इंक्लूड होगी, टू की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। फिर यहाँ ग्राफ बनेगा उसमें सिर्फ टू की वैल्यू इंक्लूड है, यहाँ बनेगा सिर्फ फोर की वैल्यू इंक्लूड है। तो अब हर पॉइंट के अंदर अगर इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करते चले जाएं तो आपके पास ग्राफ आता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर आप यहाँ जीरो सब्सिट्यूट करें तो जीरो डिवाइडेड बाई टू आंसर इज जीरो। अब इसलिए आपने फर्स्ट पॉइंट आपने जीरो पे लगा दिया। फिर सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे वन सब्सिट्यूट करें, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, इसलिए आप वन सब्सिट्यूट करेंगे तो भी आंसर वन बाय टू ही आएगा। अब अपने वन पे लेके आपने क्या सब्सिट्यूट करा, वन बाय टू को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह वन बाय टू को ड्रॉ कर लिया। अब आपकी आपके लिए हिसाब से ये स्केलिंग आप जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से स्केलिंग करोगे। यहाँ यहाँ 0.5, ये जीरो है, फिर 0.5, फिर वन। अब ये मैंने तीन प्रोबेबिलिटीज यहाँ डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मैंने वन बाय टू पे वैल्यू क्या है भाई, 0.5। ये मैंने वन के ऊपर जो है वो 0.5 पे ड्रॉ कर दिया। फिर टू पर आई, टू पे क्या है एक्स बाय फोर। एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब टू सब्सिट्यूट करूंगी, जब टू डिवाइडेड बाय फोर होगा तो आंसर इज वन बाय। अब मैं यहाँ टू पे खड़ी हुई हूँ, टू पे क्या लगाऊंगी, वन बाय टू का पॉइंट लगाऊंगी। वन बाय टू का मतलब है 0.5, तो यहाँ पे मैंने वन बाय टू पे पॉइंट लगा दिया। फिर अब मैं कहाँ खड़ी होंगी, अब मैं टू पे हो गई, टू के बाद अब मैं कहाँ खड़ी होंगी, फोर पे। फोर पे आंसर क्या है, वन। तो यहाँ मैंने फोर किया, और फोर के बाद यहाँ पे देखा कि फंक्शन वैल्यू वन है, वन के मुताबिक यहाँ पे किया और यहाँ पे एक वन पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से इसके ग्राफ या इसके चीजों को जो है वो स्केच किया जाता है। बाकी देखो प्रोबेबिलिटीज वैसे ही फाइंड होंगी जैसे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए देती हूँ कि भाई पहले मेरे क्वेश्चंस की तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जाके तुम लोग अपने पे अपने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। अब वही सारी बातें जो मैं तुम लोगों को अभी अभी समझाते हुए आ रही हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे मालूम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मौजूद है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट मेजर ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। अब ये पॉइंट क्या है, इन पॉइंट की डेरिवेशन के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी डेरिवेशन होती है और लंबी डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली आप ये बात प्रूफ करते कि अगर हमें कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है तो उसके लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो चूंकि हम बी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, हम स्टैट्स नहीं है कि हम कि हर एक की डेरिवेशन को सॉल्व करें और उसके बाद प्रूफ करें और उसके बाद फिर फार्मूले को इस्तेमाल करें। बस हमारा काम क्या है कि फार्मूले को समझना, उसे इस्तेमाल करना और उसे कंप्यूट करना। कंप्यूटेशन हमारा मेन फोकस है। बाकी जाहिर सी बात है कंप्यूटेशन करने के लिए उसकी मैनुअल वर्किंग भी जरूरी है। अगर मैनुअल वर्किंग हमें समझ नहीं आएगी तो हम कंप्यूटेशन के लिए अपना एल्गोरिथम नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हम मजीद कोई ना मैथमेटिशियन है ना स्टैटिशियन है, इस वजह से हम इसकी मजीद कोई डेरिवेशन के अंदर नहीं गए, बल्कि मैंने क्या किया कि इन तमाम डेरिवेशन का फाइनली क्या किया कि सबकी डेरिवेशन के जो आंसर आने थे वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब तमाम डेरिवेशन के आंसर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स डॉट मतलब एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा फंक्शन से और उसके बाद उसे अपर लिमिट से लेके लोअर लिमिट पे इंटीग्रेट करना होगा। जबकि यही मीन मैंने आपको डिस्क्रीट के